नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज। अभी हम बात करेंगे अविनाश हत्याकांड। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की हत्या बीते 9 नवंबर को ही कर दी गई थी। बावजूद आज 27 दिन हो गए हैं, पुलिस की नकारात्मक रवैया सामने आ रही है। शुरुआत में तो कहा गया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो मधुबनी एसपी के द्वारा बयान को बदल दिया गया। लेकिन 27 दिन बाद भी 6 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, इस मामले उनकी कैसी संलिप्तता है, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आता है। जबकि 9 नवंबर को ही अविनाश की अपहरण कर ली गई थी और 13 को उसका लाश मिला। आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन 27 दिन बाद भी पुलिस की जो नकारात्मक रवैया है उसके खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का ऐलान एमएसयू के नेता सहित परिजनों के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। बता दे कि अनशनकारियों की मांग जो है 11 सूत्री मांग है। उन लोगों की मांग है, किसने अविनाश की हत्या की, अविनाश का हत्या किसने करवाया, अविनाश को कौन अनुराग हेल्थ केयर से अन्य जगह ले गया, अविनाश की हत्या की वजह क्या है, अविनाश का मोबाइल कहाँ है, अविनाश के शव को किस गाड़ी से उड़ैन गांव से आगे सड़क की जहाँ अविनाश का शव मिला वहाँ तक ले जाया गया, शव को ले जाने में कौन कौन लोग शामिल थे, अविनाश की हत्या कहाँ हुई, अविनाश के गले में रस्सी किसने डाला, अविनाश की छाती की हड्डी कैसे टूटी, अविनाश को 9 नवंबर की रात से 13 नवंबर तक कहाँ रखा गया था, सहित जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी किस प्रकार की संलिप्तता इस हत्या में बताई जा रही है। आखिर इस पर कोई बयान न तो मधुबनी एसपी का आ रहा है, न बेनीपट्टी डीएसपी का आ रहा है। आखिर इस तरह की जो हत्याएं हो रही है इस पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। ऐसे मामले आखिर बिहार में कब तक होते रहेंगे, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित है, कैसे विश्वास किया जा सकता है कि लोकतंत्र सुरक्षित है और आम आदमी सुरक्षित है। जब बिहार में पत्रकार की हत्याएं होती है और सूबे के मुख्यमंत्री का एक शोक संदेश तक नहीं आता है, कितना दुखद बात है, ये तो सोचने वाली बात है। मधुबनी के एसपी जो डॉक्टर सत्य प्रकाश है उनको झंझारपुर कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के द्वारा निलंबित करने की ट्रेनिंग पे भेजने की बात कही जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा न तो इनका तबादला किया जाता है न ही निलंबित किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पे लोग मिले हुए हैं। अविनाश जिस फर्जी नर्सिंग होम का मुद्दा चला रहे थे, उनको बंद करने का मुहिम चला रहे थे, आखिर अब तक वो क्यों बंद नहीं हुआ है, आखिर क्यों चल रहे हैं फर्जी नर्सिंग, जबकि बेनीपट्टी में SDO BDO DSP सर्किल इंस्पेक्टर थाना इतने PSC प्रभारी इतने लोगों के होने के बावजूद ये जो फर्जी नर्सिंग केंद्र चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी उनमें मिले होंगे। अगर नहीं मिले होंगे तो क्यों चल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसके दायरे में कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुल सकते हैं, यहां तक कि प्राइवेट दवा दुकान भी नहीं खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो धड़ल्ले से लाइसेंस ही क्या, बिना लाइसेंस के अवैध अस्पताल चलते हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मारा जाता है तो पत्रकार आम जन, एक पत्रकार की गलती क्या थी, गलती यही थी कि फर्जी नर्सिंग केंद्र के खिलाफ वो अपना आंदोलन चला रहे थे, मुहिम चला रहे थे, उसको बंद करने के लिए लगे थे। एक पोस्ट डाला अविनाश ने, 15-11 खेला हो गए, क्या हो गया, कोई बड़ा मामला तो नहीं, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनका भी इस मामले में कोई बयान नहीं आता है, जबकि इस मामले की
सदन में भी आवाज उठाई जा चुकी है। एमएलसी घनश्याम ठाकुर के द्वारा इस मामले का आवाज उठाया जा चुका है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका कोई बयान नहीं आता है। सिर्फ एक दिन दिखावे के लिए अखबार में उनका बयान आता है, लेकिन सदन में उनका कोई भी बयान सामने नहीं आता है। सदन में आखिर इस तरह की जो मामले बिहार में चल रही है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या पत्रकार को ही न्याय नहीं मिलेगा? जो पत्रकार 2400 घंटे बिना किसी वेतन के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी अनुदान के जन सेवा में 2400 घंटे हाजिर रहते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन खाली हाथ है, कब तक इस मामले में कार्रवाई होगी? परिजन का मांग सीबीआई जांच भी था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ जो अनशन पे बैठे हुए हैं, एमएसयू के लाला जी हैं, अविनाश के पिताजी हैं, अविनाश के भाई त्रिलोक जी हैं, वर्तमान जिला पार्षद पति भी मौजूद है। और अब बता दें कि अविनाश पत्रकार जो था बीएनएन न्यूज, जो एक वेब पोर्टल है, उनमें कार्य था। तो हम बीएनएन के जो यहाँ पे चीफ एडिटर है उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, प्रशासन क्या कर रही है, इन पर हम उनसे बात करते हैं। तो बीएनएन के जो चीफ एडिटर है विजय विकास, हम उनसे बात करते हैं। दो दिवस से धरना के बाद अनशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी अगर वजह पूछी जाएगी कि दो दिवस से धरना के बाद अनशन क्यों किया जा रहा है, तो उसका जवाब शायद प्रशासन भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्रशासन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। जहाँ तक हम लोग की परिजनों की बात है, जो हम लोग यहाँ पे अनशन पे आप तब्दील हो चुके हैं धरना को, लेकिन अविनाश की हत्या कर दी गई 9 तारीख को, आज 6 तारीख है, 21 इधर और 6, 27 दिन हो गए हैं। 27 दिन के बाद भी परिजनों को नहीं पता है कि अविनाश की हत्या क्यों कर दी गई, इसकी वजह क्या थी, किसने की, क्यों की, उसे दो दिन तक कहाँ रखा गया था, उसके लाश को ठिकाने लगाने में कौन लोग थे, उसका मोबाइल कहाँ है, मोबाइल का लोकेशन दूसरे गांव में कैसे बताया अगले दिन। तो हमारे पास जो भी सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब प्रशासन के पास नहीं है। तो हमारे पास अब सत्याग्रह करने का, लोकतांत्रिक तरीके से धरना करने का विकल्प था। हम लोगों ने धरना किया, दो दिन धरना किया, प्रशासन की कहीं भी सुखबुगाहट हम लोग को नजर नहीं आई, जिसके बाद आज हम लोग बाध्य होकर अनशन पे आए हैं। और हमारा जो सवाल है 11 सूत्री, उन तमाम सवालों का जवाब प्रशासन दे। हमें लगेगा प्रशासन अगर कार्रवाई कर रही है, हमें संतोषजनक अगर दिखेगी कार्रवाई, तो हम लोग आगे प्रशासन से वार्ता करेंगे। बाद बाकी कोई किसी भी स्थिति में प्रशासन के आश्वासन पर हम लोग नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा समय हम लोगों ने इंतजार किया है, प्रशासन को हमने समय दिया है, वो लोग कार्रवाई करें शांति ढंग से और सही तरीके से अनुसंधान करें, जो कि अभी तक नहीं होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह है कि आज हम लोग अब इस धरना को अनशन में तब्दील कर चुके हैं। कुछ देर पूर्व में DSP आए हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? DSP साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बच गया है, क्योंकि पिछले 26 दिनों में यहाँ के बड़ा बाबू, यहाँ की केस के IO, सर्किल इंस्पेक्टर, DSP साहब और SP साहब, उन्होंने जो भी हम लोगों को आश्वासन दिया है, वो अपने आश्वासन पे खड़े नहीं उतरे हैं, अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरे हैं। उन लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बच गया है, उन लोगों को भले ही यहाँ के लोगों ने कुछ सुना करके भेजा है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें वो लोग सुन के गए हैं, उन चीज़ों से सबक लेते हुए जब अगली बार हम लोग उससे वार्ता करने की नीयत से आएंगे, उनके पास कुछ जवाब रहे, यही हम उम्मीद करेंगे। अभी कितने व्यक्ति अनशन में बैठे हुए हैं? अभी 4 लोग अनशन पे हैं, अविनाश के पिताजी श्री दयानंद झा, अविनाश के भाई श्री त्रिलोक झा, उसका जिला पार्षद प्रतिनिधि रणधीर झा है, उसके बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कुमार ठाकुर और लाला जी, कुल 4 व्यक्ति अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। 11 सूत्री मांगों में कुछ मांग बता दीजिए। हमारी मांग नहीं है, हमारा सवाल है, क्योंकि हम प्रशासन से ना मुआवजा मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं, ना आश्रित परिवारों को किसी तरह का हमें मदद नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारा सवाल है कि अविनाश की हत्या क्यों हुई, किसने की, कहाँ की, उसके बॉडी को तो दिन तक कहाँ रखा गया था, उसे मारने में कौन लोग शामिल थे, उसके बॉडी को किस गाड़ी से ले जाया गया, कौन लोग उसमें शामिल थे, उसके छाती की हड्डी कैसे टूटी, गले में रस्सी कैसे पड़ी, उसका मोबाइल कहाँ है, उसका मोबाइल का लोकेशन अगले दिन दूसरे गाँव में कैसे बताया, ये कुछ सवाल हैं, उसका जवाब हम चाह रहे हैं, यही हमारी मांग है।